सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग महादेव फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। आप लोग भी इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे टी शर्ट पे नाम रहेगा और पीछे महादेव का फोटो रहेगा, तो आइए मैं बताता हूँ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोग को कोई सा भी क्रोम ब्राउजर या गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। देन ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च वाला आइकन पे क्लिक करना है, और सर्च वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है BING बिंग AI जनरेटर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा, तो सिंपल सा इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देन जैसे क्लिक कर देंगे तो सबसे फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देन जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग को इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आता है, तो आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का कौन सा टेक्स्ट लिखना है कि इस टाइप का फोटो आप लोग को एडिट हो जाएगा, तो आप लोग को सिंपल सा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम ज्वाइन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा इजिली, और वहाँ से ये कॉपी करके टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का टेक्स्ट है, ठीक है गाइस। यहाँ पे शिवा लिखा है, और आप टी शर्ट एंड नाम के जगह पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे ऋतिक लिखा हूँ, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, और सिंपल सा आप लोगों को क्रिएट वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्रिएट वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को 5 से 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, और फाइनली आप लोग का रिजल्ट कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और आप लोग का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीके से यहाँ पे 4 फोटो लेकर आ चुका है AI की मदद से, और इसमें आप लोग कोई भी देख सकते हैं, कोई भी अच्छा लगे फोटो तो आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें से अच्छा नहीं लग रहा है तो सिंपल से आप लोग को यहाँ पे 3D के जगह पे यहाँ पे आप लोग को 2D सर्च कर लेना है, और फिर से आप लोग को क्रिएट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग क्रिएट वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो 10 से 12 सेकंड आप लोग को वेट करना पड़ेगा, और जैसे वेट कर लेते हैं तो आप लोग के सामने यहाँ पर देखिए काफ़ी मस्त तरीके से आ चुका है। तो इन सब में से कोई सा भी फ़ोटो को आप लोगों को डाउनलोड करना है तो सिंपल से फ़ोटो पे टैप करेंगे, कोई सा भी फ़ोटो पे, ठीक है गाइस। 4 फोटो लाया जाएगा, हर बार 4-4 फोटो लाएगा, और कोई सा भी फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोगों को फिर से आप लोगों को क्रिएट वाला आइकन पे क्लिक करना है, और फिर से वेट करना पड़ेगा। जितना बार आप लोग क्रिएट वाला आइकन पे क्लिक करेंगे उतना यूनिक फ़ोटो आप लोग को ला कर देगा, 4-4 फोटो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं, फ़ोटो पर टैप करेंगे और यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, और 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ से डाउनलोड वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे और आपका फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा गैलरी के अंदर। तो चलिए बैक करते हैं, और यहाँ से कोई सा भी फ़ोटो को आप लोग को डाउनलोड करना है तो बैक करते हैं। बैक करने के बाद ये वाला फ़ोटो को डाउनलोड करना है तो फिर से आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है, और सेम प्रोसेस करना है भाई, और डाउनलोड वाला आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है। देन देख सकते हैं, और इसको अच्छा नहीं लग रहा है ये भी, तो फिर से क्रिएट वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये कुछ यूनिक ला कर देगा आप लोगों के सामने। तो 5 से 10 सेकंड वेट करते हैं और फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। तो इसमें से कोई भी अच्छा लगता है आप लोगों को तो सिंपल सा फिर से वही वाला सेम प्रोसेस करके आप लोग फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, ये वाला फोटो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीके से लग रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है सिंपल सा, और क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं टी शर्ट पर मेरा नाम लिखा है, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो सिंपल सा आप लोग का फोटो डाउनलोड हो जाएगा गैलरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप लोग को यहाँ पे 2D के जगह पे आप लोग को फिर से 3D सर्च करना है और क्रिएट वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, और ये कुछ यूनिक ला कर देगा आप लोग के सामने। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और फाइनली रिजल्ट देख सकते हैं, 3D में काफ़ी अच्छे तरीके से इमेज आता है। तो आप लोग 3D में ही इमेज को क्रिएट कीजिएगा, और 2D में भी बहुत बेटर आता है, तो 3D में काफ़ी अच्छे तरीके से इमेज आता है। इस वाले फ़ोटो को डाउनलोड करने के लिए सेम प्रोसेस वही करना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीके से वीडियो लगा, और ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग को फिर से क्रिएट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, और जैसे क्रिएट वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक दिन में 15 बार आप लोग इस टाइप का फ़ोटो को क्रिएट कर सकते हैं, 4-4 फोटो एक दिन में आप लोग 60 फोटो को क्रिएट कर सकते हैं। जो आप लोगों को 60 में से अच्छा लगेगा उसी को आप लोग को डाउनलोड करके और इस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना है। और ये देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग सा फ़ोटो आ चुका है 4, ठीक है। तो इसमें से भी आप लोग का अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग फिर से क्रिएट वाला आइकन पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।